बिहार विधान परिषद चुनाव 2022 की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। बुधवार को भारत निर्वाचन आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तारीख की घोषणा की। इसके अनुसार राज्य में स्थानीय निकाय के तहत 24 सीटों पर चुनाव होगा। इसकी मतगणना 7 अप्रैल को होगी। आयोग के अनुसार 9 मार्च को अधिसूचना जारी होगी और 16 मार्च तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। 17 मार्च को स्क्रूटनी होगी। उम्मीदवारों के नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 19 मार्च है। बता दें कि इस चुनाव में स्थानीय निकाय के जनप्रतिनिधि जैसे मुखिया और वार्ड सदस्य समेत पंचायत समिति के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में और क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। वो लोग नोटिफिकेशन इशू करेगा, नोटिफिकेशन इधर से इशू होगा, जो कार्य इंप्लीमेंट होगा आरओएलएल में, उन क्षेत्र में नॉमिनेशन हम लोग का 9 तारीख से, जैसे जैसे नोटिफिकेशन इशू होगा 9 मार्च से शुरू होगा। 16th लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन है। 17th को स्क्रूटनी होगा आरओ साहब का ऑफिस में। लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल 21 मार्च और मतदान होगा 4 तारीख, 4 अप्रैल को मतदान होगा और सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक काउंटिंग होगा। 7 तारीख को, 7 अप्रैल को काउंटिंग होगा और ये सारी प्रक्रिया को हम लोग 11 अप्रैल का पूर्व कंप्लीट करना है। जैसे आप लोग जानते हैं ये प्रेफरेंशियल वोटिंग है, नंबर मेंशन करना है, वो भी उसको वर्ड्स में लिखना नहीं है, 1, 2, 3 इस तरह से प्रेफरेंस दे सकता है देवनागरी में या इंग्लिश का न्यूमरल्स है, रोमन न्यूमरल्स है, ये सब भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हम लोग का लास्ट टाइम जो इलेक्शन हुआ था 2015 में हुआ था, एक्चुअली 2016 जुलाई में 24 एमएलसी लोग रिटायर हो गए। उसके बाद जैसे आप लोग अवगत है कि हम लोग का ये वोटर बेस जो है पंचायत प्रतिनिधि है वो करीब 97% होता है, मतलब जैसे आपका ग्राम पंचायत हुआ, पंचायत समिति हुआ, जिला परिषद, उसी का मेंबर लोग हम लोग का लगभग 97% इलेक्टेड होता है। नगर निकाय का जो है, नगर निकाय का 3 स्तरीय है, उसमें भी हम लोग उसका मेंबर्स भी हमारा वोट लिस्ट है, क्योंकि जो पंचायत निकाय उनका इलेक्शन नहीं हुआ था कोविड के कारण, उसी कारण हम लोगों का इलेक्शन डिले हुआ था। अब इलेक्शन पंचायत के इलेक्शन समाप्त होंगे, उसके बाद निर्वाचन आयोग ने निर्णय लिया है निर्वाचन कराने का। पिछले बार हम लोगों के पास लगभग 1,29,000 इलेक्टर्स था,